आइसक्रीम अपना पे अच्छी है रेना। आपकी आइसक्रीम कैसी है? अच्छी है। सारी गिरा रही हो कपड़ों पे। फुल मिनते हैं फॉर आइसक्रीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम बना रहे हैं आइसक्रीम। अब तो नाफे की बहुत ज़िद्द और इसरार के बाद मोस्टली मेरे बच्चों को आइसक्रीम इतनी पसंद नहीं है। इतनी पसंद मीन वो इतनी खाते नहीं हैं, खाते भी हैं तो मेल्ट ही खाते हैं। तो बहुत ज़्यादा कहने पे मैंने बनाई आइसक्रीम। मैंने कहा चलो वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूँ, सिर्फ दो चॉइसों से बननी है बस, और बहुत ही आसान है, तो आप घर में बनाएं बजाय मार्केट से लेने के। तो आ गए हैं हम किचन में। चलें सबसे पहले लेते हैं क्रीम। मैं ओलपर की यूज़ कर रही हूँ और मेरे पास पड़ी थी यम यम की। मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई की है, तो क्योंकि दो पे पहले एक पैकेट का प्लान था, फिर मैंने कहा चलो दो बना लूँ, थोड़े बच्चों का दो से तीन टाइम गुजर जाएंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा था कि मम्मा मैंने मैंगो खाना है। मैंने कहा मैंगो, क्योंकि केक ही पड़ा हुआ था, तो अगर मैंगो खाना है तो फिर आइसक्रीम नहीं बनेगी। देन ही से के ओके आइसक्रीम ही खानी है, मैंने मैंगो अभी नहीं खाना, मैंगो बाद में खा लेंगे। तो मैं यहाँ पे ये मेरे पास हैंड ब्लेंडर है और साथ में हम डालेंगे चीनी। मैंगो कर लिया है पील ऑफ। मैंगो इसके लिए आपने कोशिश करनी है कि जो सही येलो वाला होता है ना वो लेना है, जो डार्क हम जिसे कहते हैं येलो मैंगो। जो वाइट होगा उससे आपका कलर भी नहीं आएगा। तो इसे अच्छे से हम कर लेंगे ब्लेंड। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप जो यूसर मशीन वाला जग होता है उसमें डाल दें, क्रीम डाल दें और साथ में चीनी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डाल दें और ब्लेंड कर दें और इसे रख दें फ्रिज में, तो आपकी भी आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। एक आइसक्रीम के लिए टिप्स हैं, एक तो वो आपको आगे मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे जो यम यम की क्रीम है, आई डोंट नो ये पाकिस्तानी ब्रांड है या कोई और है, तो आपने ये नहीं लेनी, क्योंकि ये बहुत ऐसी थी जैसे फटा हुआ दूध सा होता है या फिर थिक दही सी होती है, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में नहीं थी। जो ओलपर है वो बिल्कुल क्रीमी फॉर्म है। और आपके पास अगर विपिंग क्रीम है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि विपिंग क्रीम का ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट होगा आइसक्रीम का। लेकिन मेरे पास ये क्रीम थी तो मैं मोस्टली यही क्रीम की बनाती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा हैवी नहीं होती, तो बच्चे इसीलिए इसे एडजस्ट डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो आपके पास जो है वो बना दें। प्रेफर किया करें कि बच्चों को घर में ही चीज़ें बना के दें, स्पेशली ये आइसिंग की जो होती हैं, क्योंकि जो हम मार्केट से लेते हैं वो प्योर नहीं होती, वो सारी जो होती है जिसे हम क्या कहते हैं स्क्रीन टाइप इस तरह का कुछ कहते हैं कि ये वो होती हैं, और वाकई ही वो होती हैं, वो अच्छी क्रीम नहीं होती। अगर वो अच्छी क्रीम भी हो तो वह ज़्यादा से ज़्यादा जो ओपन डेयरी की होती हैं वो क्रीमें होती हैं, और उनमें भी मिक्सिंग होती है, क्योंकि इतनी महंगी कोई क्रीम नहीं लेगा। क्रीम ही तकरीबन अच्छी खासी महंगी हो चुकी है इस टाइम पे। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने ऊपर क्रीम डाली थी फॉर डेकोरिंग। अगर आप चीज़ों को बनाते हैं, बना भी लेता है बंदा, तो उसको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए तो, और ज़्यादा ख़ुद भी खानी हो तो दिल खुश हो जाता है। सो ये बन गई है यहाँ पे। अब हम इसे रखेंगे फ्रीज़र में फ्रीज़ के लिए। और बच्चे पीछे से मुसलसल शोर मचाए हुए थे, क्योंकि उनसे वेट ही नहीं हो रहा था। वो जितनी देर आइसक्रीम बनी है वो किचन में ही खड़े रहे, किचन से नहीं निकले। जो 3 से 4 घंटे बेचारी फ्रीज हुई है, वो भी पता नहीं कैसे हुई है। बच्चों ने वो भी उनको वो फ्रिज के सामने से हिल ही नहीं रहे थे। आइसक्रीम रखे हुए थे 4 घंटे तकरीबन 4 से 5 घंटे हो गए हैं। सो बच्चे भी जिद कर रहे हैं कि आइसक्रीम ला दे मम्मा, क्योंकि उनको पता है कि फ्रिज में रखा हुआ है और बच्चे वेट नहीं करते। चले जी हम निकालते हैं फ्रिज से और देखते हैं कि बन गई या नहीं बनी। अगर बन गई है तो कैसी है। ये जी फ्रीज़र से निकाल ली है, अब इसे हम ओपन करते हैं। यहाँ पे मैंने वैसे इसे ओपन करके पहले देखा भी था कि कितनी को हो गई है। साइड से स्पून लिया था इसका, थोड़ा सा चेक किया था कि ये कितने परसेंट रह गई है, कितने परसेंट हो गई है। तो यहाँ पे अब इसे सर्व करते हैं। आप इस पे मैंगो चंक्स भी डाल सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि बच्चों ने खाने थे, तो मैंने मैंगो चंक्स अंदर ऐड नहीं किए। मैंगो बच्चे वैसे खा लेते हैं, लेकिन जब चंक्स आते हैं उनके मुंह में तो वो फेंक देते हैं और उनको लगता है पता नहीं क्या चीज़ है, क्योंकि बच्चों ने जो चीज़ खानी होती है उसको देखना होता है। अगर उनके मुँह में कोई भी चीज़ आप डाल दोगे ना, वो पहले निकाल लेंगे। ये उनकी नेचरली जो है एक हैबिट होती है बच्चों की, कि आप उसके मुँह में जो डालेंगे वो निकाल के देखेंगे। ये देखें इतनी परफेक्ट बनी है। तो
कोशिश क्या करें, स्पेशली बच्चों की चीज़ें जो हैं, ऑब्वियसली हम कभी कभार तो बाहर खाते खाते हैं, हर बंदा खाता है, लेकिन स्पेशली जो बच्चों की चीज़ें होती हैं वो घर पे ही बनाया करें। तो ये आइसक्रीम का वेट हो रहा है, आप इनकी लड़ाई देखें। ये अभी सो के उठे थे, इनको शावर दिया है, शावर के बाद ये आइसक्रीम के वेट में बैठे हैं, कभी लड़ रहे हैं कभी खेल रहे हैं, बच्चों का ये चलता ही रहता है, मेमोरेबल टाइम। ये आइसक्रीम आ गई है और बच्चों के रिएक्शन चेक करें आप, दे आर सो हैप्पी। या मैं अपनी भी आइसक्रीम डाल के ले आई थी, अब्दू नाफे ने बिल्कुल भी मेरे हाथ से नहीं खाई, वो बड़ा हो रहा है माशाल्लाह, तो वो उसकी ट्राई होती है कि उसने हर चीज़ अपने हाथ से खानी है, जो नहीं खाई जाती उससे वो फिर ख़ुद कहता है कि जी मुझे खिला दें आप, तो मुझसे खाई नहीं जा रही। और उसने अपनी शर्ट पे एक कतरा भी आइसक्रीम का नहीं गिराया, अब वो कपड़े भी गंदे नहीं करता। तो हुरैन, मेरी मिस्टेक ये हुई कि मैंने हुरैन को यहाँ पर बिब नहीं लगाया, कोई उसको रुमाल नहीं रखा उसकी शर्ट पर, और उसने अपनी शर्ट का बेड़ा गर्क कर लिया। एनीवे लेकिन बच्चे जब खा रहे होते हैं तो उनको क्या ही टोकना, कोई बात नहीं, खाने दें, एंजॉय तो कर रहे हैं। यह मैस क्रिएट हुआ हुआ है बच्चों के टॉयज का, ये हमेशा ही रहता है। ये आपने ब्रश गंदा कर लिया है सारा, लुक एट दिस, ये का है भैया क्या बने हुए हैं भैया, लुक एट योर प्लेट, किधर जा रही हो आप, है प्लेट आपकी किधर पड़ी है, जा आप किधर रही हो, फिनिश फिनिश फिनिश, वाह फिर और आ जाएगी, और बोला जाएंगे, ओके बोला जाएगी। आइसक्रीम लवर मुझे, बच्चे ने आइसक्रीम खा ली, मम्मा के बच्चे ने आइसक्रीम खा ली क्या, बच्चे स्टिल सेइंग यम्मी, इट्स यम्मी, इट्स टू मच यम्मी मामा। तो जब बच्चों के इतने प्यारे प्यारे रिएक्शन आते हैं, बच्चे इतनी तारीफ करते हैं, तो बच्चों को क्यों ना हम बना के दें। तो लिटरली आई एंजॉयड, और ये भी हो जाता है कि बच्चों के लिए बन गई है तो चलो बच्चे दो से तीन टाइम खाएं। फिर मैं अपने हस्बैंड के लिए रखी, अब उनको सर्व कर रही हूँ, तो चले देखते हैं उनके रिव्यू क्या हैं अबाउट आइसक्रीम, होममेड आइसक्रीम। इसे हल्का सा मैंने गार्निश कर दिया था, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट है, और इसके अंदर भी ऐड कर दिए थे मैंने मैंगो चंक्स। तो ये रात का टाइम है, तो आप देख सकते हैं इन्होंने पीछे बैठना होता है ताकि वहाँ पर ठंडी हवाएं आएं। आइसक्रीम हाँ जी, आप नहीं खा सकते, चलो। कैसी बनी है? बस अच्छी है। अपना भी कैसी है? अच्छी है, अच्छी है, गिर गई। चलो मम्मा के कपड़ों पे गिराओ, मजे किया। नहीं बैठी आइसक्रीम में, फाइट नहीं करनी। ये थी आइसक्रीम की रेसिपी, लाइक करें सब्सक्राइब करें, अल्लाह हाफिज़।